द्वितीय मंत्र है श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, वाणी की वाणी, ऐसा कहा, प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु। ठीक, श्रोत्र आदि में जो श्रोतृत्व आदि उपलब्धि है वो अनित्य है, मतलब श्रोत्र आदि में जो चैतन्य वो अनित्य है। ठीक, और श्रोत्र आदि में जो श्रोतृत्व है, शब्द आदि को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है ना, ये तो नित्य आत्मा के कारण है। नित्याच आत्मनः श्रोत्रस्य श्रोत्रादि अक्षराणाम अर्थानुगमात उपपद्यते, यही चलेगा ना, कौन कहाँ से चलेगा? हाँ, ठीक, यहीं से चलेगा, आगे बढ़ गया। यत् श्रोत्रस्य उपलब्धित्वेन, 19 नंबर पेज। ठीक, अभाषकत्वम् तद आत्मनिमित्तत्वा श्रोत्रस्य श्रोत्रमिति उच्यते। आत्मा को कह दिया श्रोत्र का श्रोत्र, ठीक, श्रोत्र का श्रोत्र, ठीक है, श्रोत्र इंद्रिय। ठीक, आत्मा को कैसे श्रोत्र का, जो श्रोत्र इंद्रिय है उसमें जो उपलब्धित्व है, ठीक है ना। हाँ, तो अभाषकत्व उपलब्धित्व ना, मतलब क्या हुआ, उपलब्धा है चेतन, उसका तादात्म्य होने के कारण, ऐसा समझना है। ठीक है, ठीक, उपलब्धा है, सबको जानने वाला आत्मा है चेतन, उसका तादात्म्य होने के कारण अभाषक हो गया श्रोत्रेन्द्रिय, शब्द ज्ञान जनक हो गया श्रोत्रेन्द्रिय, नहीं, इसलिए श्रोत्रेन्द्रिय में जो शब्द अभाषकत्व है तद आत्मनिमित्तत्वात्, ठीक है ना, वो आत्मा के निमित्त के कारण, मतलब क्या हुआ, आत्मा है चेतन, उसका तादात्म्य होने से श्रोत्रेन्द्रिय चेतन की तरह भासती है, ये कहने का है। तो इस अभिप्राय से आत्मा को कह दिया श्रोत्र का श्रोत्र, ठीक है ना, मतलब श्रोत्रेन्द्रिय में जो भी सामर्थ्य है वो आत्मा के कारण है, इतना अर्थ समझ लो। श्रोत्रेन्द्रिय में क्या सामर्थ्य है, शब्द को सुनने का सामर्थ्य है कि नहीं, वो किसके कारण, आत्मा के कारण, ये बोलते हैं। ठीक है, जैसे दृष्टांत देते हैं ना, सूर्य प्रकाश है, तो सूर्य प्रकाश के कारण दर्पण में सामर्थ्य है, दर्पण क्या करे, अंधेरे में क्या करे दर्पण, कुछ नहीं करे। सूर्य प्रकाश का संबंध हो दर्पण में, दर्पण चमकता है, ये तात्पर्य है। अच्छा जी, थोड़ी टीका है ना इसके ऊपर, टीका में एक पंक्ति है देखो, तस्य आत्मनिमित्तत्वा श्रोत्रस्य श्रोत्रमिति उपलक्ष्यते, ये देखो कह दिया ना, इसलिए जो है आत्मा निमित्त है, श्रोत्र में जो सामर्थ्य है वो आत्मा उसमें निमित्त है, आत्मा उसका अधिष्ठान है, साक्षी है कि नहीं, ये कहना तमय भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, ऐसा कहा ना, आत्मा चेतन होने के कारण उसका तादात्म्य होने से श्रोत्रेन्द्र में चैतन्य है, ये तात्पर्य हुआ, इसलिए आत्मा उपलक्षित है। क्या, कौन सी पंक्ति पढ़े टीका में, 19 नंबर पढ़ा टीका में, सबसे नीचे पढ़ा, तस्य आत्मनिमित्तत्व, क्या कह रहे हो, फिर उसको क्यों प्रारंभ किए, फिर यत् यत्
अरे भैया भैया, सूत्र से फिर वहां से प्रारंभ क्यों किए फिर? वो तो पीछे छूटा है फिर। अरे भाष्य प्रारंभ करना नहीं चाहिए था ना। चलो फिर आगे चलो, देखो बोलते हैं। जड़स्य सत्ताहीनत्वा सुक्ति रूपस्य एव इव इत्यर्थ। ये तो बहुत पहले से है ये। हाँ अरे भगवान, 19 नंबर है तो इस पर इधर उधर हो जाता है ना सब। तो भाषा में जो आता है ना, सबसे पहले शब्द उपलब्धि रूपतया अभाषकत्व न सतः श्रोत्रस्य अचित रूपत्वाद, ये भाषा में था, ठीक है? नहीं, शब्द का उपलब्धा है ना, शब्दों को प्रकाशित करने वाला है, इसलिए अभाषक हुआ। मतलब क्या? शब्द का उपलब्धा होता है चेतन आत्मा, उसका तादात्म्य होने के कारण शब्द का अभाषक है श्रोत्रेंद्रिय। न स्वतः श्रोतेन्द्रिय मतलब संप्रकाश होकर के शब्द को प्रकाशित नहीं करता है, लेकिन साक्षी शब्द को और शब्द ज्ञान को प्रकाशित स्वयं करता है ना। स्वप्रकाश होकर के साक्षी जो चेतन है, शब्द को, शब्द ज्ञान को भी और चिदाभास को, त्रिपुटी बोलते हैं ना। हाँ, जैसे मुझे शब्द का ज्ञान हुआ, आप जो बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, बोलते हैं ना, ठीक है ना? आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, मतलब शब्द को भी जान रहे हो, शब्द ज्ञान को भी जान रहे हो और शब्द को समझने वाले को भी जान रहे हो, पढ़ है ना। इसलिए साक्षी स्वयं प्रकाश है कि नहीं? और श्रोत्रेंद्रिय को स्वयं प्रकाश क्यों नहीं कहेंगे? बोले अचित रूपत्वात्, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय चित्रूप नहीं है। फिर कौन चित्रूप है? आत्मा आत्मनश्च चित्रूपत्वात्, आत्मा ही चित्रूप है कि नहीं? हाँ, इसके ऊपर टीका आइए। सत्ता प्रकाशश्च आत्मरूपं तद्भेदे मानाभावात् अतः उपलब्धि तदात्मनैव श्रोत्रस्य अभाषकत्वं न स्वातंत्रण जड़त्वात्। यहाँ तक हो गया, ठीक है ना? हाँ, आत्मा सतरूप है, आत्मा प्रकाश रूप है, उसके भेद में कोई प्रमाण नहीं है, हो गया कि नहीं? श्रोत्रेंद्र अभाषक क्यों है? क्योंकि उपलब्ध है आत्मा चेतन, उसका तादात्म्य होने के कारण श्रोत्रेंद्रिय अभाषक हुआ, है कि नहीं? श्रोतेंद्रिय मतलब प्रकाशित होकर के, साक्षी जो चेतन है उसे प्रकाशित होकर के श्रोत्रेंद्रिय शब्द का अभाषक है, स्वतंत्र रूप से नहीं है। क्यों? जड़त्वात्। जो जड़ होता है ना, संप्रकाश नहीं होगा, ये अनुमान हो गया। देखो, श्रोत्रेंद्रिय प्रकाश्य न स्वप्रकाश, क्यों? जड़त्वा, ओके कि नहीं? श्रोत्रेंद्रिय जड़ है, जड़ होने से क्या होगा? संप्रकाश होगा कि प्रकाश्य होगा? प्रकाश्य होगा, संप्रकाश नहीं होगा। जड़ जड़ जड़त्वाद यत्र यत्र जड़त्वम तत्र तत्र न स्वप्रकाशत्वम अथवा प्रकाश्यत्तम यथा घट। आप लोगों के आवाज जा रहे हैं क्या? हाँ, बट आपका डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, वो ट्रैफिक का भी आवाज आ रहा है। क्या आवाज आ रहा है? ट्रैफिक, ट्रैफिक, रोड की ट्रैफिक। हाँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैं। आप फोर्थ फ्लोर पे हो क्या? अभी क्या है? चौथे माले गए क्या? अरे अभी और एक ऊपर ले लो। पांचवे माले पांचवे और क्या? और ऊपर जाऊं क्या? क्या करें, ऐसे ही है कुछ ना कुछ। वहाँ वहाँ नहीं, वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है। प्रॉब्लम क्या ये ज़्यादा है कि वहाँ पर वो दीवार वगैरह तोड़ रहे हैं ना वहाँ पर। अच्छा, एक प्रॉब्लम के सॉल्व करो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। चलो कोई बात नहीं,
डिस्टरबेंस तो है ही, क्या करें। तो ये जुकती है भाई, यत्र यत्र जड़त्वम तत्र तत्र स्वप्रकाशत्वम नास्ति अथवा प्रकाशित्वम यथा घटः। इस प्रकार श्रोत्रेंद्र भी जड़ है, श्रोत्रेंद्र भी जड़ है जड़ है। क्यों जड़ है? वो आत्मा से प्रकाश स्वयं क्योंकि से। वो दृश्य है ना। आप श्रोत्रेंद्रिय को भी जानते हो, ये जड़ होगा, ये जो प्रकाश्य होगी, ये क्या होगा, दृश्य होगा, वो जड़ ही होगा, चेतन तो होगा नहीं, ऐसा ले लो। आगे चलो, जड़स्य च सत्ताहीनत्वा। ये देखो बहुत सुंदर कह रहे हैं, जो जड़ पदार्थ होगा ना वो सत नहीं होगा, मिथ्या होगा। हाँ ये टीका बाकी थी ना, जड़स्य च सत्ताहीनत्वा। जो जड़ पदार्थ होता है वो सत्ता से रहित, सत्ता से रहित मतलब मिथ्या होता है, ऐसे में हाँ बुद्धि में नहीं पचती ना लोगों के। अरे जड़ हो जाएगा तो मिथ्या कैसे हो जाएगा? लेकिन है मिथ्या। जो जड़ होगा वो सत नहीं होगा, सत नहीं मतलब मिथ्या होगा वो। जैसे कह दिया सुक्ति रूपस्य इव इत्यर्थ। लेकिन ये कह रहे हैं श्रोत्रियंत्र में क्या सिद्ध करना चाहिए, मिथ्यात्व तो सिद्ध करना है। ये श्रोत्रेंद्रियम मिथ्या, क्यों क्यों? जड़त्वात् है कि नहीं? यथा सुक्ति रूप्यम, जैसे सुक्ति में चांदी है, चांदी सीपी में जो चांदी दिखता है ना वो मिथ्या है ना, ऐसा कह दिया। अच्छा आगे चलो, श्रोत्रस्य अभाषकत्वम उपलब्धि तादात्म्येन इति यदि उपलब्धा उपलक्षते। देखो श्रोत्रेंद्रिय हो गया अभाषक, श्रोत्रेंद्रिय अभाषक हो गया, बराबर ना? किसका? शब्द का। क्यों हुआ शब्द का अभाषक श्रोत्रेंद्रिय? क्योंकि उपलब्धि तादात्म्येन, उपलब्ध है साक्षी, साक्षी का तादात्म्य होने के कारण श्रोत्रेंद्रिय शब्द का अभाषक है, इसलिए वो उपलब्धा जो साक्षी है वो उपलक्षित हुआ है कि नहीं, वो हो गया उपलक्षित। क्यों? कोई यदि नित्य चेतन स्वरूप ना होता तो श्रोत्रेंद्रिय में चैतन्य ना आता, अभाषकत्व तो ना आता, इसलिए यदि इसलिए कोई है वो कौन है? आत्मा, इसलिए साक्षी उपलक्षित होता है कि नहीं? ये कह रहे देखो, यदि उपलब्धा उपलक्षते, उपलब्ध कौन हो गया यहाँ पर? साक्षी, मतलब है ना, शब्द को, शब्द ज्ञान को प्रकाशित करने वाला साक्षी है, वो उपलक्षित हुआ है कि नहीं, मतलब वही मैं हूँ इस प्रकार से। तरी उपलब्धुरपि अभाषकत्वम अन्य अधीनम है, देखो है कि नहीं? जो जो उपलब्धा होता है और दूसरे उपलब्धा से प्रकाश्य होगा। श्रोत्रेंद्र हो गया उपलब्धा किसका? आत्मा का। क्या सुन रहे हो? शब्द का। श्रोत्रेंद्रिय हो गया उपलब्धा, उपलब्ध मतलब क्या? जानने वाला, प्रकाशित करने वाला। जो जो उपलब्धा होगा वो दूसरे उपलब्धा से क्या होगा? प्रकाशित होगा। हो गया, जैसे शब्द का अभाषक कौन? श्रोत्रेंद्रिय। तो श्रोत्रेंद्र अभाषक हुआ, उपलब्धा हुआ, इसलिए दूसरे उपलब्धा से प्रकाशित हुआ। कौन? आत्मा उपलब्धा से। इस प्रकार आत्मा भी उपलब्धा है, वो भी किसी से प्रकाशित हो जाए, ये कह रहे। देखो तरही उपलब्धुर अपि अभाषकत्वम अन्य अधिनाम, आत्मा जो उपलब्धा है कि नहीं, उसको भी प्रकाशित करने वाला है कि नहीं? हाँ, इसलिए अन्य के अधीन हुआ कि नहीं हुआ? उपलब्धा जो साक्षी है उसमें जो अभाषकत्व है वो भी दूसरे का अधीन हुआ, हो गया कि नहीं? इसलिए तीसरा जो उपलब्धा है वो भी किसी का अधीन होगा, तब तो क्या आ जाएगा? अनवस्था हो जाएगा। क्या होगा? अनवस्था बोलते हैं भाई, अनवस्था प्राप्नति अप्रामाणिक अनंत पदार्थ कल्पना, तब तो अनेक के अनेक चेतन मानना पड़ेगा। क्रम हो जाएगा। श्रोत्रेंद्रिय दूसरे से प्रकाशित हुआ, वो दूसरा भी तीसरे से प्रकाशित हुआ, तीसरा
तीसरा भी चौथे से, तब तो कोई भी समाप्ति होगी नहीं। अंततः तत्व ये मानना पड़ेगा कोई सम प्रकाश है, ये होगी युक्ति, है ना। ऐसा कोई चेतन है नित्य चेतन, ठीक है, वो किसी से प्रकाशित ना हो और सबको प्रकाशित करे, उसी का नाम होता है सम प्रकाश। आया भगवान आप लोगों को, है ना, ये अनवस्था दोष आ जाएगा। कोई चेतन को, किसी नित्य चेतन को सम प्रकाश नहीं मानेंगे तो क्या दोष आएगा? अनवस्था। हाँ, अनवस्था। इसलिए आत्मा चेतन है और सम प्रकाश है, वो किसी से प्रकाशित तो नहीं होता है। इति अनवस्था प्राप्नोति, ये कह दिया ना। इसलिए इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार ने कह दिया, आत्मनश्च चित रूपत्वात्, आत्मा चित स्वरूप है। आत्मा को ये चित स्वरूप नहीं मानेंगे तो क्या दोष होगा? अनवस्था दोष हो जाएगा। अनवस्था दोष हो जाएगा, है कि नहीं। ये अनवस्था दोष के भय से आत्मा को चेतन मानते हैं, और चेतन स्वयं प्रकाश है वो। स्वयं प्रकाश ना मानेंगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा जी, आगे देखो भाई, अभी तो आगे स्पष्ट ही अभी बता दिया था। यत सूत्रस्य उपलब्धित्वेन अभाषकत्वं तत् आत्मनिमित्तत्वा, इसलिए कह दिया ना। श्रोत्रेन्द्रिय जो उपलब्धा है, किसका? शब्द का, है कि नहीं। उपलब्धा होने से शब्द का अभाषक हुआ, किसके कारण? तत् आत्मनिमित्तत्वा, जो नित्य जो आत्मा चेतन है उसका तादात्म्य के कारण श्रोत्रेन्द्रिय में शब्द अभाषकत्व है। इस अभिप्राय से कह दिया श्रोत्रस्य श्रोत्रमिति उच्यते, है कि नहीं। ये टीका में देख लो, तस्य आत्मनिमित्तत्वात्, इसलिए श्रोत्रेन्द्रिय में जो शब्द अभाषकत्व है, मतलब शब्द ज्ञानाजनकत्व है, वो किसके कारण? स्वतंत्र नहीं, आत्मा के कारण है, हो गया ना। इसलिए आत्मा उपलक्षित हुआ, इसलिए श्रोत्र का शब्द श्रोत्र, इसलिए आत्मा उपलक्षित हुआ ना। कौन आत्मा है? निर्विशेषम चैतन्य मात्रम इत्यर्थ हो गया ना। यथा भाष्य देखो भगवान, यथा छत्रस्य छत्रम, व्यक्ति को क्षत्रिय कब कहोगे? उसमें कोई क्षत्रिय कर्म हो तो। इसलिए व्यक्ति में क्षत्रिय में जो क्षत्रियत्व है उसका निमित्त क्या हुआ? क्षत्रिय कर्म। क्या है? क्षत्रिय व्यक्ति का जो कर्म है ना जी, वो हो गया नियामक। नियामक किसका? क्षत्रिय व्यक्ति का, समझ में ना। ये क्षेत्रीय व्यक्ति का नियामक कौन हो गया? क्षेत्रीय का कर्म। तो क्षेत्रीय कर्म न हो तो उसको क्षेत्रीय कहा जाएगा? ईश्वर का ब्राह्मण का कर्म न हो तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा? इसलिए ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व का नियामक कौन हो गया? ब्राह्मण कर्म। पकड़ में कि नहीं है? ऐसा होता है ना। इसलिए साधु के साधुत्व का नियामक कौन हो गया? साधु के लिए जो कर्म है, दूसरे का कर्म करेगा तो बढ़िया ढंग से करेगा? नहीं नहीं, लोक शिक्षा के लिए करना पड़ता है तो साधु में साधुता आएगी? बोलो, नहीं आएगी ना। स्वधर्म में निधनम श्रेय, परधर्म भयावह, ये सब समझ लो। आर दरे भगवान वाच्यकार, यथावा उदकस्य औष्ण्यम अग्नि निमित्तम, ये देखो, जल 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 किसी को जलाता है क्या? नहीं, लेकिन जलाता है। अग्नि का संबंध हो गया तो उदक में औष्ण है, लेकिन किसके निमित्त से हुआ? अग्नि के निमित्त से हो गया, अग्नि के निमित्त से हो गया, बराबर ना। इसलिए दग्धुरपि उदकस्य दग्धा अग्निर उच्यते, वास्तविक दग्धा कौन है? अग्नि, है कि नहीं।
लेकिन उदक भी दग्धा हो गया अग्नि के संबंध से, अग्नि के संबंध से जो उदक मतलब गर्म जल, गर्म जल कैसा है, दग्धा है कि नहीं, जल को भी जलाता है, जलाने वाला बोल देते हैं, है ना। तो जल को जो जलाने वाला बोलते हो वो किसके कारण है, अग्नि के कारण है कि नहीं। इसलिए दग्धा जो उदक उसका भी दग्धा कौन हो गया, अग्नि हो गया, अग्नि पढ़ में वास्तविक दग्धा है अग्नि, लेकिन अग्नि के संबंध से उदक भी क्या हो गया, दग्धा। मतलब जलाने वाले को जलाने वाला है, क्या तात्पर्य हुआ, जलाने वाले को जलाने वाले का जलाने वाला है कौन, अग्नि। जलाने वाले का जलाने वाला कौन हो गया, अग्नि। तो जलाने वाला कौन है, मुख्य जलाने वाला हो गया अग्नि, लेकिन अग्नि के संबंध से गर्म जल भी जलाने वाला हुआ, उसको भी जलाने वाला कौन है, अग्नि। मतलब जलाने वाले का जलाने वाला कौन हो गया, अग्नि हो गया। जैसे व्यवहार में हुआ इसी प्रकार से शब्द को प्रकाशित किया किसने, श्रोत्रेंद्र, हाँ उसको भी प्रकाशित किया कौन, आत्मा। इसलिए श्रोत्र का श्रोत्र हो गया, श्रोत्र का श्रोत्र हो गया, बराबर है कि नहीं, आया। बढ़िया दृष्टांत दे दिया। हाँ सरल कर दिया, ये कह रहा सरल कर दिया हमारे, हाँ ये बोल रहा कि सरल कर दिया। आगे चलें, थोड़ी टीका देख लो हैं। छत्र जाति नियामकम कर्म छत्रमिति उच्चते यथा इत्यर्थ। जैसे छत्र जाति, छत्र जो जाति है मतलब क्षत्रियत्व जो जाति है उसका नियामक कौन हो गया, कर्म, क्षत्रिय कर्म। क्षत्रिय कर्म हो तो उसको क्षत्रिय कहा जाएगा ना, पढ़ में कि नहीं। इसलिए क्षत्रियत्व रहता ही है, क्षत्रिय में जो क्षत्रियत्व है वो तो कर्मों को लेकर होता है ना, कर्म न करे तो कैसे होगा, अभिव्यक्ति नहीं होगी, कहने का मतलब क्षत्रिय कर्म के बिना क्षत्रियत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती है, पढ़ में क्या नहीं, ठीक ऐसा होता है। आगे देखो, यदि सूत्र आदि साक्षी आत्मा अस्ति, ये देखो सूत्र आदि इंद्रियों का साक्षी कौन है, आत्मा, साक्षी हो गया आत्मा, ठीक है। किसका, शब्द का कि सूत्र इंद्रिय का, सूत्र इंद्रिय का भी है साक्षी आत्मा है। कथम तरी लोकायतकादेहे सूत्रादिषु एव उपलब्धृतत्व व्यवहार। जो लोकायत का है, शास्त्रीय संस्कार से रहित है, चारवाग लोग है, ये सूत्र आदि इंद्रियों को ही उपलब्धा क्यों मानते हैं, इसी को ही चेतन क्यों कहते हैं, किसको, इंद्रियों को, इंद्रियों को ही चेतन क्यों कहते हैं, कहने का अभिप्राय, चेतन यदि इंद्रियों से अतिरिक्त है ना, यदि श्रोत्रेंद्रिय चेतन नहीं है, चेतन श्रोत्रेंद्रिय से अतिरिक्त है, तो श्रोत्रेंद्रिय को चेतन क्यों कहते हैं, ये तो बताओ, है कि नहीं। तब कह रहे देखो दृष्टांत क्या दिया था, जैसे जल जलाने वाला नहीं है फिर भी जल को जलाने वाला बोलते हैं, क्यों, अग्नि का संबंध से। इसी प्रकार से श्रोत्रेंद्रिय यद्यपि जड़ है फिर भी चेतन का संबंध होने से श्रोत्रेंद्रिय को भी चेतन कहते हैं, और इंद्रिय को छोड़ दिए स्थूल शरीर को, तो स्थूल शरीर तुम्हारा जड़ है कि चेतन है, जड़ है तो जड़, फिर भी तुमको कोई जड़ बोल दे तो, हाँ क्यों, शरीर जड़ होने पर भी चैतन्य का संबंध से शरीर भी चेतन दिखता है, ऐसे में इसलिए व्यवहार में जो भेद करते हैं, जड़ चेतन का भेद करते हैं, घटपटादि हो गया जड़ और तुम्हारा शरीर हो गया चेतन, दोनों में क्या अंतर है, आत्मा का संबंध, दोनों में क्या भेद है, व्यवहार में जड़ चेतन का भेद होता है कि नहीं, दोनों में सत्य कौन है, सत्य, ये शरीर सत्य है कि घट घट सत्य है, दोनों सत्य नहीं, हाँ लेकिन दोनों में क्या अंतर है, आत्मा का संबंध, अरे आत्मा का संबंध,
घाट में चिदाभास का संबंध नहीं है, वहाँ पर चिदाभास नहीं होता है, और शरीर में चिदाभास है, ये अंतर है। चिदाभास का, चिदाभास की अभिव्यक्ति जहाँ पर होती है उसको कहते हैं व्यवहार में चेतन, और जहाँ पर चिदाभास की अभिव्यक्ति नहीं होती है उसको कहते हैं जड़। यही अंतर है जड़ चेतन में, उसमें भेद हुआ क्यों? फिर बोलते हैं कि घट जो है तमोगुण प्रधान है, क्या तमोगुण प्रधान, और ये तमोगुण प्रधान नहीं है। अंतर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं अंतर, ठीक है ना, ऐसा समझ लो। ये अंतकर्ण जो है ना, अंतकर्ण कैसा होता है, सत्वगुण प्रधान है, ठीक है ना, और वहाँ पर जो है वो घट सत्वगुण प्रधान नहीं है, वो तमोगुण है, वो बराबर है कि नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। और उसी अंतकर्ण का संबंध, अंतकर्ण का संबंध स्थूल शरीर हुआ, इसलिए स्थूल शरीर भी कैसा होता है, चेतन मालूम पड़ता है। सूक्ष्म शरीर में चिदावास है, उसका संबंध स्थूल शरीर में हुआ, इसलिए स्थूल शरीर भी चेतन मालूम पड़ता है, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आगे चलो, हाँ ये हो गया, इसलिए बोल दिया कि जो है उदक और दृष्टांत दे दिया। अच्छा तद्वत थोड़ी टीका है, भाष्य में दिया ना तद्वत, पहले भाष्य ले लो। उदकम अपि ही अग्नि संयोगात अग्निरुच्यते, अग्नि का संबंध होने से जल को भी क्या कहते हैं, अग्नि, अग्नि बोलते हैं जलाने वाला है, ये अग्नि है, अग्नि है व्यवहार में बोल दिया जाता है, वास्तविक जल अग्नि नहीं है। अग्नि का संबंध होने से जो गर्म जल है उसको बोलते हैं अग्नि, उच्यते तद्वत, इसी प्रकार से ये तद्वत का अर्थ दिया टीका में। उपलब्धि संबंधा, उपलब्धि कौन है, साक्षी, उपलब्धि हो गया साक्षी, साक्षी का संबंध होने से, संबंध कोई वास्तविक नहीं है, आविद्य का संबंध है, ठीक है। संबंध से श्रोत्रादिशु, श्रोत्रादि इंद्रियों में उपलब्धित्व व्यवहार, श्रोत्रादि इंद्रियों में उपलब्धित्व मतलब जानने वाला मतलब चेतन, ऐसा व्यवहार हो जाता है। इत्यर्थ भवन मते, पूर्व पक्षी का अभिप्राय है, तुम्हारे वेदांत के मत में तरी नित्य उपलब्धि स्वभाव आत्मा इति श्रोत्रादे करणत्तम न स्यात्, है कि नहीं। आत्मा तो नित्य उपलब्धि स्वभाव है, आत्मा का जो स्वभाव है नित्य चैतन्य स्वभाव है, सुनते हो जी। जो नित्य पदार्थ होता है उसी के लिए करण की आवश्यकता होती है क्या, जो अनित्य है कि नहीं, घट नित्य है कि अनित्य है, अनित्य है, तो घट को बनाने के लिए दंड की जरूरत पड़ेगी, करण की जरूरत पड़ेगी, दंड है, चक्र है, कुलाल है, दुनिया भर का है, करण की आवश्यकता पड़ेगी, सुनते हो कि नहीं। व्यवहार में आकाश क्या है, नित्य है कि नहीं, आकाश को बनाने के लिए क्या चाहिए, आकाश को बनाने के लिए कोई कारण चाहिए, क्यों, आकाश नित्य है। इसी प्रकार से आत्मा का स्वरूप जो चैतन्य है वो तो नित्य है, नित्य है, नित्य है, तब नित्य जब है ही उसी के लिए श्रोत्रेंद्र की क्या जरूरत है, श्रोत्रेंद्र के फिर कारण की क्या आवश्यकता है। आत्मा यदि नित्य चेतन स्वरूप है उसके लिए कारण की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पकड़ में है कि नहीं है, यही यहाँ पर शंका कर रहे हैं, देख लो, ठीक है। भवन मत है मतलब वेदांत मत में आपके नित्य उपलब्धि स्वभाव आत्मा, आत्मा का जो स्वभाव है उपलब्धि स्वभाव, उपलब्धि मतलब चेतन, कैसी उपलब्धि, नित्य उपलब्धि मतलब नित्य चेतन स्वरूप है, इसलिए इति श्रोत्रादे करणत्तम न स्यात्। ये श्रोत्रेंद्रिय को फिर करण कैसे कहोगे, करण कैसे कहोगे, मतलब करण की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये कहने का मतलब क्यों, देखो आगे लिखे क्रियायाम ही करणा अपेक्षा इति, ये देखो
क्या कह रहे हैं? क्रिया क्रिया, कोई क्रिया होती हो तो उनमें करण की अपेक्षा है, ठीक है। आत्मा में तो कोई क्रिया नहीं मानते हो आप लोग, आत्मा में जो क्रिया क्रिया नहीं मानते हो कि आत्मा को करण की क्या जरूरत पड़ रही है, सुनते हो क्या? अरे तुमको तुमको जो कोई क्रिया करनी हो, लकड़ी काटना है, उसके लिए क्या चाहिए? केवल हाथ से थोड़ी होगा, कुल्हाड़ी भी चाहिए। कुछ करना नहीं तो कुल्हाड़ी क्या करोगे? कुछ नहीं। हाँ तो वो समाधि में बैठ जाना है तो क्या कुल्हाड़ी क्या करोगे? कुछ नहीं। कोई क्रिया हो तो करण की आवश्यकता है, सुनते हो। आप कुछ भी जी संसार में करना चाहते हो तो करण की अपेक्षा पड़ेगी, कुछ करना ही नहीं तो हाँ ऐसे संकल्प करोगे हमको कुछ करना नहीं है, ये तुमको कोई आवश्यकता नहीं फिर करण की। और संसार में भी तो कुछ करना चाहोगे तो भगवान तुमको ये देता रहेगा, जाओ तुमको शरीर चाहिए ले जाओ शरीर लेते रहो, पकड़ में आए कि नहीं? हाँ कुछ न करने का संकल्प करो, करने का संकल्प ना करो। यदि करना भी हो तो नहीं करने का करो, करने का ना करो। कोई क्रिया करनी हो तो क्या चाहिए? शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? आ कोई क्रिया नहीं चाहिए तो शरीर भी नहीं चाहिए, ये कहना है बोलो। ठीक है भगवान, आपको क्रिया चाहिए क्या? आपको क्रिया चाहिए? हाँ वो तो करनी पड़ेगी, उतना चलेगा, उतना छूट है, उतना जो है आप लोगों को छूट है। दूसरा कुछ करोगे तो फिर समस्या है। तो क्रियायाम ही करण अपेक्षा इति आकांक्षायाम, हो गए कि नहीं बोलो? क्या स्वाभाविक होता है ना? क्या स्वाभाविक? ऑफिस जाना है, सब फिट है, हम करते हैं, उसमें कुछ वो भी फिर कैसे छोड़े? रस मिल रहा है कि नहीं? रस वगैरह नहीं है, अभी काम करना है बस। क्या करना है? हाँ मन से पूछो, मन से पूछो है कि नहीं, रस मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है ना? अच्छा तो कारण को ढूंढना चाहिए ना, हम क्यों कर रहे हैं, करने का प्रयोजन क्या है, तो ढूंढोगे तो उत्तर मिलेगा जरूर। अपने साक्षी से पूछो। ठीक है। साक्षी मतलब वो साक्षी नहीं कह रहा मैं। क्योंकि इनके धर्म पत्नी का नाम भी साक्षी है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है भाई। चलो दोनों से पूछ लो। आगे चलो। क्रियायाम ही करण अपेक्षा, क्रिया करनी हो तो करण की अपेक्षा होती है। तुम्हारा आत्मा तो कैसा है? निष्क्रिय है। आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती है तो करण की अपेक्षा क्यों होगी? ये पूर्व पक्ष है। इति आकांक्षायाम, बात ऐसी है ना, सुनो, ये तार्किक लोग जो होते हैं ना, द्वैतवादी लोग, तार्किक लोग आत्मा में क्रिया मानते हैं। क्या मानते हैं? क्रिया। हाँ आत्मा में क्रिया मानते हैं, जो ज्ञान हो रहा है ना, ज्ञान होना, क्योंकि आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है, तो ज्ञान रूपी क्रिया मानते हैं आत्मा में। इसलिए केवल आत्मा से तो ज्ञान रूपी क्रिया नहीं हो सकती है, ज्ञान एक क्रिया है, उनके अनुसार ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना, ठीक है ना? हाँ जैसे घट ज्ञान है, पट ज्ञान है, मट ज्ञान है, ठीक है, ये ज्ञान हो रहा है किस में? ये ज्ञान किसको होगा? जड़ को होगा कि चेतन को होगा? हाँ तो आत्मा को होगा ना, ठीक है ना? आत्मा का जो ज्ञान रूपी क्रिया होगी उसके लिए भी करण की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मन चाहिए, फिर इंद्रिया चाहिए, ऐसे बोलते हैं वो लोग, तार्किक लोग। इस अभिप्राय से पूछ रहा है, फिर पूर्वपक्षी जो पूछ रहा है किस अभिप्राय से पूछ रहा है, जहाँ समझना पड़ना है, समझना चाहिए, ठीक है। इसलिए वेदांत पहले पढ़ना चाहिए कि बाद में पढ़ना चाहिए? बाद में।
वेदांत बाद में पढ़ा जाता है, बाकी सारे सिद्धांत को पढ़ने के बाद वेदांत पढ़ोगे तो कुछ पकड़ में आएगा, नहीं तो कुछ पकड़ में नहीं आता है। ये कौन बोल रहा है नहीं समझ में आएगा। चलो आगे देखो, अनित्यम भाष्य में देखो, भाष्य है कहते अनित्यम यत संयोगाद उपलब्धित्वम तत्कर्णम सूत्रादि, ये देखो लिख दिया है कि नहीं। इसलिए जो अनित्यम मतलब ज्ञान जब अनित्य होगा, ज्ञान जब अनित्य होगा, शब्दों का ज्ञान होगा ना, क्या शब्दों का जो ज्ञान होगा इसको कहते वृत्ति रूपी ज्ञान। ये वृत्ति रूपी ज्ञान हम आत्मा में नहीं मानते, हम कहाँ पर मानते हैं, मन में मानते हैं। इसलिए अनित्यम उपलब्धित्वम, उपलब्धित्वम, उपलब्धित्वम कहाँ पर आया, श्रोत्रेंद्र में कहो, अथवा श्रोत्रेंद्र के कारण मन में चिदाभास में ले लो। चिदाभास में जो उपलब्धित्व है यह संयोगा, जिसके संबंध के कारण, और मैं कहें क्या है, जिसके संयोग के कारण तत्कर्णम, इले उसका कारण कौन हो गया, श्रोत्रादि। मतलब श्रोत्रादि जो कारण है, श्रोत्रादि जो कारण है कि नहीं, वो किसका कारण हुआ, नित्य ज्ञान का नहीं हुआ, अनित्य ज्ञान का। क्योंकि मन का संबंध कहाँ पर होता है, चक्षु में होता है, मन का संबंध चक्षु में है और मन में चिदावास है, इसलिए उपलब्धित्व अनित्य, उपलब्धित्व अनित्य ज्ञान, अनित्य ज्ञान कहाँ पर है, चिदावास में है ना। जिस कारण के कारण है कि नहीं, चिदाभास में अनित्य ज्ञान हुआ, उसका कारण हो गया कौन, श्रोत्रादि इंद्रिय, आया पकड़ में, ऐसा बोलते हैं भाई। मतलब नित्य ज्ञान का कारण नहीं है। अरे भाई देखो, जिस समय शब्दों का ज्ञान नहीं हो रहा था, अहम शब्दम न जाना में है कि नहीं, इसमें भी आत्मा चेतन की जड़ है। जिस समय शब्दों का ज्ञान नहीं हो रहा था उसमें भी आत्मा चेतन की जड़ है, चेतन है वो, है कि नहीं। हाँ, जिस समय शब्दों का ज्ञान हुआ उस समय आत्मा चेतन हुआ, और जिस समय शब्दों का ज्ञान नहीं हो रहा था उसमें आत्मा जड़ था, ऐसा नहीं है। जिस समय शब्दों का ज्ञान नहीं था उसमें भी इसको तुम जान रहे हो कि शब्दों का ज्ञान मुझे नहीं हुआ, बात समझ में नहीं। इसलिए वृत्ति रूपी ज्ञान के लिए करण की आवश्यकता है और नित्य ज्ञान के लिए भी करण की आवश्यकता नहीं है, ये सिद्धांत है। आगे ना, आगे चलो, टीका थोड़ी सी इसके ऊपर है। प्रमातुर, ये देखो लिख दिया ना, प्रमातुर यत संबंधात अनित्यम उपलब्धित्वम भवति। प्रमाता कौन हो गया, चिदाभास, मन विशिष्ट जो चेतन है प्रमाता, उस प्रमाता में अनित्य ज्ञान होता है ना। जिसके संबंध के कारण प्रमाता में चिदाभास में अनित्य ज्ञान हुआ, अनित्य का मतलब कौन, वृत्ति रूपी ज्ञान, समझ में कि नहीं। बुद्धि परिणाम है, बुद्धि परिणाम है, बुद्धि का परिणाम क्या होता है, वृत्ति रूपी ज्ञान, समझ में ना। क्या लिखा आगे भाई, आपके पुस्तक में क्या है भाई, बोलो। हाँ ठीक है, बुद्धि परिणाम क्या होता है, यही वृत्ति रूपी ज्ञान और क्या है। बुद्धि परिणाम ही, बुद्धि का परिणाम होता है, अंतकरण का परिणाम होता है कि नहीं। हाँ, तोत्राधिकरणाम, उसका करण कौन है, श्रोत्राधिकरण हो गया। इसलिए बुद्धिवृत्ति अपेक्षा भवती, अपेक्षाया होती, बुद्धिवृत्ति को लेकर के अपेक्षा होती, इसका विचार भाई कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।